एवरी वन इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटिथिस प्लेटिथिस ऑल्सो नोन एस फ्लैटफॉर्म टैपॉर्म फ्लूक अबाउट एटी परसेंट ऑफ पैरासाइट आर फ्रॉम दिस फाइलम प्लेटिहलमेन्थिस डिवाइड इंटू टू मेजर ग्रुप फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म एंड पैरासाइट बट मोस्ट पैरासाइट आर एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग अगर हम सीमेट्री की बात करें तो बायोलेट्रल सीमेट्री लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेन लेवल और जम लेल की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिनथिस में जनरली लोकोमोटरी ऑर्गेन एबसेंट होता है बट पैरासिटिक फॉर्म में प्रजेंट होता है लाइक शकर हूक एक्सेट्रा प्लेटियालमेंथिस कंटेन ठीक क्यूटिकल एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइन पहली बार सीलोम वर्ड प्लेटियालमेंथिस से आया और प्लेटी हेलमेंथिस में इस सीलोमेट बॉडी कैविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम इस इनकम्प्लीट Blind sac body plane it means anus is absent but in tap form digestive system is completely absent because they depend on host. Skeletal system, respiratory system and circulatory system is totally absent. Platyhelminthes respire through general body surface as similar to protozoa, porifera, cylindrata.

फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वा स्टेज अगर आप लार्वा वाला वीडियो ना देखे हों तो प्लीज जाके लार्वा का वीडियो देख लीजिए वहाँ हमने सभी एनिमल किंगडम के लार्वा को कंप्रेस करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है अब बात करते हैं प्लेटिहलमेंथिस के क्लासिफिकेशन पर प्लेटिहलमेंथिस जो कि तीन क्लास में डिवाइड है टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा सिस्टोडा जिसमें से टर्बिलेरिया फ्री लिविंग है ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा एंडोपैरासाइट है ये क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल और कुछ कैरेक्टर हैं इसे आप याद कर सकते हैं थैंक यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एस्केलमेंथिस पे फोकस करेंगे तब तक